गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 11th केमिस्ट्री, माई सेल्फ रितेश सिंह। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया था। आज हम कुछ आपके एलिमेंट्स के बारे में बताएँगे, कैसे उनके इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। जैसे पहला है हीलियम, हीलियम के पर प्लस चार्ज, टू प्लस। हीलियम के बारे में बताया था, हीलियम दो के बारे में बताया था, हीलियम प्लस चार्ज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर बात करें तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार होते अगर हीलियम होता तो, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर इसका हम एनर्जी का फिलिंग करें तो एनर्जी कैसे फिलिंग करें, मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन कैसे करें, सिग्मा 1s2 इसमें दो इलेक्ट्रॉन जाएगा और सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन, दो और एक तीन हो गया। अरेंजमेंट करना चाहेंगे तो कैसे, मॉलिकुलर डायग्राम में हम बताए थे एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग ये वाला होता है, बॉन्डिंग वाला ये वाला, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग और जो स्टार नहीं होता उस पर बॉन्डिंग। तो अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो होते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, किसी ई में एक इलेक्ट्रॉन है। अब कॉन्फिगरेशन करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, दो, पहले में दो और इसमें एक, तो ये हो गया कम्प्लीट। अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ एम बी एम ओ माइनस ए बी एम ओ, यही होगा ए बी एम ओ। तो हाफ इक्वल टू बी एम ओ में कितना है, दो, माइनस ए बी एम ओ में कितना है, एक। तो हाफ इंटू एक मतलब कितना आएगा, हाफ इसका बॉन्डिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हीलियम टू माइनस, मतलब कि यहाँ पे हीलियम चार आता है लेकिन माइनस चार मतलब एक जुड़ गया, मतलब पांच इलेक्ट्रॉन में, कितने हैं, पांच इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 में दो हो गया और फिर क्या था, सिग्मा 2s इसमें कितना, दो, लेकिन कितने हैं, चार यहाँ हो गए तो एक बिचा तो यहाँ पर चला गया, दो दो चार एक, पाँच इलेक्ट्रॉन हो गए। डायग्राम बनाएंगे पहले किसमें, सिग्मा 1s2 इसमें, तो ये सिग्मा हो गया 1s, मतलब 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल कंबाइन किया तो सिग्मा 1s बना और सिग्मा 1s स्टार बना। तो पहले किसमें भरेंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया मैंने, फिर बाकी दो इलेक्ट्रॉन इसमें, अब क्या है किसमें जा रहा है, 2s में जा रहा था, 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल कंबाइन करते, दो दो भरने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जब कंबाइन करके चार भरे जा सकते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, एक, तो यहाँ पर हम एक लोअर ऑर्बिटल में भर देंगे। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो क्या होगा, हाफ बी एम ओ माइनस ए बी एम ओ, यही है ना, हाफ बी एम ओ में कितना है, एक, दो, और ये भी नीचे वाला क्या है, बी एम ओ, ये तो कितना हो गया, तीन, ए बी एम ओ में कितना है, दो, तो हाफ इंटू वन मतलब हाफ आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लिथियम टू प्लस पे, मतलब टोटल लिथियम के पास कितने होते हैं, तीन, दो लिथियम मतलब छः, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब कितना हो गया, पाँच। मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s में जाएगा, मैंने बताया था। इसके बाद क्या क्या आता है, सारे मैंने आपको बता दिए थे। फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल मतलब सिग्मा 1s में 1s 1s बना लिया मैंने यहाँ पे, इसमें एक भरा, इसमें एक भरा, फिर इसमें एक भरा मतलब चार इधर भर गए इसमें, और एक किस में जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में 2s में, तो ऐसे बनेगा। इसका भी बॉन्डिंग ऑर्डर निकालेंगे कितना आएगा, हाफ ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिथियम टू माइनस में, अगर इसके पास कितने होते, छः होते, एक लिया मतलब टोटल कितने हो गए, सात। पहले सिग्मा 1s2 में जाएगा, फिर सिग्मा 2s में जाएगा, फिर क्या होगा, सिग्मा 2s2 में दो जाएगा, कितने हो गए, छः। उसके बाद सिग्मा 2s के बाद क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s1 इसमें, दो दो चार दो छः एक, सात इलेक्ट्रॉन, ये सात इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका हम पढ़ते हैं आगे कैसे इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या हुआ था, सिग्मा 1s2 में था, सिग्मा स्टार 1s2 में था, फिर सिग्मा 2s2 में था और सिग्मा स्टार 2s1 में था। तो सिग्मा में कितना है, दो दो चार, तो सिग्मा 1s इसमें दो, इसमें दो भर दिए, तो सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है। फिर इसमें क्या है, दो सिग्मा स्टार 2 में, तो इसमें भर दिया मैंने दो, और एक इसमें, इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो क्या होगा, हाफ 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 होगा, कितना बचा है, बी एम ओ में दो दो चार, चार बी एम ओ में है और दो एक तीन, तो मतलब क्या है, हाफ इंटू वन। तो बी एम ओ में मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, ऐसे। तो ऐसे आप बी टू मॉलिक्यूल्स का
B2 मॉलिक्यूल्स का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताइएगा और इसका अरेंजमेंट करके दिखाइएगा, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होंगे। थोड़ा मैं आपको एक N2 के बारे में बता देता हूँ, लास्ट टॉपिक जो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं N2 मॉलिक्यूल्स में। N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 1 नाइट्रोजन में 7 और 2 नाइट्रोजन 14। अरेंजमेंट कितना होगा, 1s 1s 2s 2s पाई 2x 2py फिर 2pz, ऐसे था अरेंजमेंट। तो हम भरेंगे 1s2 1s2, इसमें भी 1s2 में 2, इसमें क्या होगा 2px में 2py में, और ये अरेंजमेंट करेंगे तो इसमें 2 फिर इसमें 2, ये क्या होगा 1s 1s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, यहाँ 2s 2s, सिग्मा 2s, यहाँ सिग्मा 2s में स्टार, फिर यहाँ पे क्या है 2px 2py 2pz, यहाँ पे 2px 2py 2pz। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 14, 2 2 4 2 6 2 8, और फिर इसके बाद 8 8, तो 10 2 12, 2 2px में 2 2 2 और 2 इसमें। अरेंजमेंट ऐसे ही होगा, 2 इसको, ये एनर्जी लेवल है, सब में 2 2 भरे जाते हैं, हमने सब में दे दिया। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनका बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 और 4, ये सब बॉन्डिंग है, जो नीचे वाले होते हैं इसके, इसके नीचे वाले बॉन्डिंग, इसके ऊपर वाले एंटी बॉन्ड, ये भी नीचे है 2 फिर 2 4 और 4, और यहाँ पे 2 6 और 4 10 10 बॉन्डिंग, और 4 2 और 2 बॉन्ड, कितना आया 3। आपने देखा होगा N2 कैसे बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 3, तो बॉन्डिंग कैसा होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा होगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, इसका बॉन्डिंग मतलब एनर्जी लेवल कैसे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 60, तो 1s सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर 2pz सिग्मा 2pz, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है, 14 से अधिक हो गया तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, फिर 2px y 2py, फिर उसके बाद पाई 2px पाई स्टार 2py, ऐसे होगा। तो 2 इसमें गया, 2 इसमें, 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14। अब ये दोनों एनर्जी लेवल क्या सेम होते हैं, एक इसको एक इसको, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब 1s में कितना जाएगा, 1s में 2 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, फिर किस में गया 2s में 2 2, 2s में 2 2 मैंने भर दिया। उसके बाद किस में गया है 2px 2pz में सिग्मा, मैंने 2 भर दिया, फिर इसमें 2 2 बराबर है, मैंने 2 2 भर दिया, इसमें कितने हैं 1 1 1 1 भर दिया, ये वाला खाली हो गया। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो BMO माइनस ABMO, BMO में गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 BMO में, और ABMO में 2 2 4, और ये ऊपर 2 6 6, 1 माइनस 10 माइनस 6 मतलब 4 1/2 मतलब 2, कितना आया ऐसे। ऑक्सीजन कैसे बनता है, 4 डबल बॉन्ड ऐसे। तो ये सब आपके मॉलिक्यूल्स थे, इसके बारे में आप अच्छे से बनाइएगा, और आपको आपका होमवर्क है कि आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, O2 का, O2 प्लस का और O2 माइनस का, और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के हमें बताएंगे कितना किसका कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।